हाय गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू पवित्र लिथोग्राफी। सो गाइज, आज की इस वीडियो पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ स्टेप का सीबी एडिटिंग कैसे करें। गाइज, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो कर देना लाइक। चैनल पे पहली बार आ रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइज, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का सीबी एडिटिंग वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। गाइज, फोटो को एडिट करने के लिए आपको सिंपली ये वाला बैकग्राउंड को शेयर कर लेना होगा पिक्सआर्ट ऐप पे। तो मैं जल्दी जल्दी से पिक्सआर्ट ऐप पे शेयर कर लेता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड पिक्सआर्ट पे आने के बाद आपको यहाँ से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आपका फ़ोटो को ऐड कर लेना होगा। ये वाला फ़ोटो को ऐड करने के बाद इसको हमको इस फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांची का निशान देख रही हो, इसको काट आउट बोलता है। काट आउट यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से जूम करना होगा फोटो को। उसके बाद कुछ इस टाइप से इसको चला लेना होगा। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को कट कर लेगा। ठीक है, ये देख सकते हो फोटो को कट कर लिया है। गाइज, ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देख सकते हो फोटो का बैकग्राउंड कितना अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया है। ठीक है, इसको अब एडजस्ट करके बिठा देना होगा। मैं इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली राइट कर देना होगा। राइट करने के बाद यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक कर देना होगा। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्रॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना होगा। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। ये हो जाने के बाद देख सकते हो फोटो में बैकग्राउंड ऐड हो गया है। यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके ड्रेस का कलर को हम रेड कर लेंगे। ये सिंपली यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन आएगा। ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन है। इरेजर का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इनवर्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से पेंट करना होगा। देख सकते हो, मैं जल्दी जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। गाइज, ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे राइट कर देना होगा। राइट करने के बाद यहाँ पे राइट करके देख सकते हो ड्रेस पे हमारी कलर आ चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। आपको ब्यूटी पे क्लिक कर देना होगा। ब्यूटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको स्किन टोन वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एक कलर को पिक करके यहाँ पे ऑटो वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आपके फेस पे कलर को एडजस्ट करना होगा। देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक हो रही है, तो मैं इसको रखूँगा। इसके बाद इसको डन कर दूँगा। डन करने के बाद यहाँ पे एक डिटेल्स का भी ऑप्शन है। डिटेल्स का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसका साइज को कुछ ऐसा करूँगा। करने के बाद ड्रेस पे कुछ इस टाइप से चला लूँगा। देख सकते हो यहाँ पे एक रेड रेड का कलर का आ रही है।
गाइज ये हो जाने के बाद आपको सिंपली राइट कर देना होगा। ये हो जाने के बाद दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो फोटो में बहुत अच्छा लुक आ गया है। यहाँ से ऐड फोटो का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। गाइस देख सकते हो ये वाला हेयर पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको रोटेट कर लेना होगा और कुछ इस टाइप से आपको बिठा देना होगा एडजस्ट करके। कुछ इस टाइप से बिठाने के बाद आपको इरेजर पे क्लिक करना होगा। इरेजर पे क्लिक करने के बाद इसको इरेज कर लेना होगा एक्स्ट्रा पार्ट को। ये हो जाने के बाद आपको सही तरीके से एडजस्टमेंट करके इसको इस टाइप से बैठा लेना होगा। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे राइट कर देना होगा। राइट करने के बाद दोबारा से आपको ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ पीएनजी को ऐड कर लेना होगा। गाइज यहाँ से इस वाला पीएनजी का ब्लेंड मोड को आपको स्किन कर देना होगा। उसके बाद कुछ इस टाइप से आपको लगा लेना होगा, इसका भी ब्लेंड को स्क्रीन कर लेना होगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा लेना होगा। उसके बाद इसको कुछ इस टाइप से नीचे में लगा लेने के बाद आपको राइट कर देना होगा। राइट करने के बाद यहाँ पे सब काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देख सकते हो फोटो कितना अच्छी लग रही है। लेकिन भाई अभी भी हेयर में डॉन वाला हेयर कट नहीं दिया हूँ, तो उसको देना होगा। इसके लिए आपको ड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐड फोटो का ऑप्शन आएगा। ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ये वाला फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे राइट कर देना होगा। इसको सही तरीके से एडजस्ट करके आपको बिठा लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे लेयर है, लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना होगा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके बैठा लेना होगा। ये हो जाने के बाद आपको डन कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे में एक नो ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करके आपको एक स्वार कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देना होगा मार्च। यहाँ से एक एम्प्टी लेयर ऐड करना होगा। यहाँ से एम्प्टी लेयर ऐड कर लेता हूँ। इस लेयर को फोटो का नीचे ले आऊँगा। ले आने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे कलर्स वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ से क्लिक करके आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये वाला कलर को सिलेक्ट करके आपको कुछ इस टाइप से पेंट कर देना होगा। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हो रही है। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, देख सकते हो हमारा सीबी एडिटिंग कंप्लीट हो गया है। तो गाइस फ़ोटो को एडिट करने के बाद आपको फ़ोटो को सेव करना भी पड़ता है। तो फ़ोटो को सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको सेव इमेज पे क्लिक कर देना होगा। सेव इमेज पे क्लिक करने के बाद फ़ोटो सेव हो जाएगा आपका गैलरी में। तो गाइज आप और भी ऐसे ही सीबी एडिटिंग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दो। भाई क्या कर रही हो। तो मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।